Very good afternoon, students. Topic for today's discussion is managing in team. So for today's class, we will discuss introduction to team, that what is team, types of team, that how many types of teams we have, stages of team development, characteristics of team, and characteristics of good team member. So we will start with what is team. So a team is a group of people with full set of complementary skills required to complete a task, job or a project. Ki team ki hundi hai, team ch ek to vad loki hunde hai, do ya do to vad loki hunde hai, jinna da main goal hunda hai ikatthe kam karna. कच्चे काम करके वो किसी भी टास्क नू जॉब नू या प्रोजेक्ट नू कंप्लीट करते हैं जो भी उन्होंने असाइन किया जाता है. जिदा कि डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ पीपल विद फुल सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क जॉब और अ प्रोजेक्ट. कि जो भी ग्रुप है जिन्हों असी टीम कह रहे हैं जिस दो या दो तो वध लोग ने उन्होंने जो स्किल सैट होएगा वो इस तरह का होएगा कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब प्रेज करेंगे या प्रशंसा योग होएगा कि एक दूसरे नाल मिलके वो वधिया तरीके नाल काम कर सकते हैं. जिदा कि असी देखते हैं जब मूवी बनती है तो मूवी च कोई परसन राइटर हुंदा या कोई प्रोड्यूसर हुंदा या कोई डायरेक्टर हुंदा या कोई सिनेमेटोग्राफर हुंदा या कोई कोरियोग्राफर होएगा कोई सिंगर होएगा कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस होंदी है. हुण सारे लोग एक तरह का काम तो नहीं करते, हर किसी का जिहड़ा स्किल है वह डिफरेंट है ते सारे अपने स्किल नू जोड़ के अपनी पूरी टास्क नू परफॉर्म करते हैं कंप्लीट करते हैं. मतलब जो गुण जेदे च वधिया है वह अपने गुण दे नाल अपने काम नू बेहतर तरीके नाल करन दी कोशिश कर रहा है ताकि असी अपनी टास्क नू अपने प्रोजेक्ट नू कंप्लीट कर सकिए. जे मैं कह रही हाँ मूवी मेकिंग एक टास्क है तो जे उदे चो वक-वक लोग ही इनवॉल्व ने एक्टर एक्ट्रेस म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर प्रोड्यूसर मूवी डायरेक्टर लिरिक्स हैगा या कोई कोई किसी ने मूवी राइटिंग की है जो राइटर जिन्हों असी कह दें है ना. तो हर कोई जिहड़ा परसन है वह अपने कह लो कि अपने काम नू वधिया तरीके नाल कर रहा है ताकि जिहड़ी मूवी है वह टाइम पर बन सके ते मूवी टाइम पर रिलीज़ हो सके. इस तरह जब असी कह लो कंपनीज़ की गल करते हैं कंपनीज़ भी अजकल ये प्रैफर करदियां ने कि जिहड़े भी कंपनीज़ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स टीम च किए जाए. ठीक है, टीम च करन दा फायदा यह हुंदा आ कि जिहड़ी भी टास्क है या जिहड़ा प्रोजेक्ट है वह टाइम पर फिनिश हो जाता है ते एक परसन पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हुंदा. Team members operate with a high degree of interdependence, share authority and responsibility for self-management, are accountable for the collective performance and work towards a common goal and shared rewards. जिहड़े टीम मैंबर्स होंदे ने वो कट्ठे मिल के एक दूसरे नाल काम करते हैं, जिहड़ी भी उन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी है अपने काम नू वधिया तरीके नाल करन दी उस काम नू वो उन्ने ही वधिया तरीके नाल करते हैं ताकि जिहड़ी कलेक्टिव परफॉर्मेंस है ठीक है पूरे ग्रुप की जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस इंप्रूव होवे ते वो जिहड़ा भी गोल है जिहड़े गोल नू अचीव करना चाहते हैं उस गोल नू अचीव करके जो भी रिवॉर्ड्स मिलने हैं वो रिवॉर्ड्स नू शेयर कर सकते. जिदा कि देखो एक डांस ग्रुप है, डांस ग्रुप च बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं. लेट्स से चार लोगों का ग्रुप है एंड दे आर गिविंग अ ग्रुप डांस परफॉर्मेंस. ठीक है, हुण ग्रुप डांस परफॉर्मेंस च जिहड़ी भी कोरियोग्राफी ग्राफर है ठीक है कोरियोग्राफर की करेगा वो सारे स्टेप्स बेसिकली सिखाएगा चंगी तरह. हुण जिहड़े टीम मैंबरस ने उन्हां दी आपस दी कोऑर्डिनेशन बहुत वधिया होनी चाहिए है ताकि जिहड़े स्टैप्स वो परफॉर्म कर रहे ने सिमिलर स्टैप्स हर कह लो कि परफॉर्मर परफॉर्म करे ते उन्हां दी डांस परफॉर्मेंस बहुत वधिया होवे. इसे तरीके नाल कोई भी टीम है भावें वह किसी सोसाइटी प्रोजेक्ट लई काम कर रही है कोई आई टी प्रोजेक्ट ते काम कर रहे है
कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो पूरी टीम नू आपस च कलेक्टिव एफर्ट करने पैंदे है टू अचीव अ कॉमन गोल. अ टीम इज मेड अप ऑफ टू और मोर पीपल हु वर्क टूगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. ठीक है, टीम च दो या दो तो वध लोकी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि साढ़े प्रोजेक्ट का साइज की है. डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट साइज एंड टाइप ऑफ वर्क असं ये डिसाइड कर सकते हैं कि साढ़े टीम च किन्ने मैंबर्स होने चाहिए है, या प्रोजेक्ट च जो भी स्किल सैट रिक्वायर्ड है किन्ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल सैट्स के लोग सानू चाहिए जिन्हों अलग अलग काम आता हो. लेट से जे मैं गल करां कि मैं कोई आईटी दा प्रोजेक्ट कर रही हाँ तो मैं जो प्रोजेक्ट बना रही हाँ आईटी दा वो जावा लैंग्वेज बेस्ड है, लोंग टर्म प्रोजेक्ट है, उन्हों एक साल लग जाना आ तो लार्ज प्रोजेक्ट है. तो ये मैं ये सोच सकती हूँ कि जो मेरा लार्ज प्रोजेक्ट है वो मैनू पांच जावा डिवेलपर्स की लोड़ होगी. डेटाबेस भी असी मेनटेन करना आ तो मेरे को डीबीए या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी रिक्वायरमेंट है तो दो डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स के नाल मेरा काम सर सकता है. मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट साइज किस तरह के स्किल्स चाहिए है, किस तरह के लोग चाहिए है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने लिए, उन्होंने की स्किल्स आते हो डिपेंड करता है कि साड़ी टीम का साइज की होगा. पर टीम का जो मेन एम है वो ये होना चाहिए आ कि जो भी गोल है उस गोल नू असी कट्ठे मिल के अचीव करना है. नेक्स्ट देखो अजकल जी कंपनीज ने ना दे आर ऑलसो वर्किंग इन टीम. कंपनीज ऑर्गेनाइज देयर वर्कर इन टीम्स कैन इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई न्यू अप्रोचेस टू अचीव द कंपनी गोल. जिहड़ियां अजकल कंपनीज़ ने भावें मकैनिकल कंपनीज़ ने, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैगी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हैगी है, वह भी बेसिकली केड़ी अप्रोच नू यूज कर रही ने, टीम्स की अप्रोच नू यूज कर रही ने, वह भी अपने वर्कर्स दियाँ अपनी इंप्लॉयज़ दियाँ टीम बनांदियां ने ताकि जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्टिविटी नू इंप्रूव किया जा सके. जिहड़ी अफेक्टिव टीम है वह वधिया या ज़्यादा इंप्लॉय मोटिवेशन दे नाल काम करती है तो जब इंप्लॉय मोटिवेटेड हुंदा या तो उहदे नाल जिहड़ी बिजनेस प्रोडक्टिविटी है जो भी एंड रिजल्ट आना या एंड प्रोडक्ट जनरेट होना या वह वधिया हुंदा है या उहदी क्वालिटी च इंप्रूवमेंट हुंदी है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की होंगे इफेक्टिव टीम दे, आइडियल साइज मैंबरशिप कि जिस तरह का काम है वो अकॉर्डिंग असी टीम का साइज डिसाइड करिए, अननेसेसरी असी बहुत ज़्यादा लोग टीम च ना पा दिए कि इदा ना हो कि 10 मैंबर्स की टीम है तो वो सिर्फ दो लोग कह लो कि काम कर रहे हैं बाकी एज आराम नाल बैठे हुए हैं. ठीक है, आइडियल साइज होना चाहिए टीम का. क्लीयर परपज कि जिन्हें भी टीम मैंबरस ने उन्होंने परपज क्लीयर होना चाहिए है कि असी क्यों एज अ टीम काम कर रहे हैं, असं क्यों कट्ठे काम कर रहे हैं. ओपन कम्युनिकेशन उन्हें हर किसी गल के भावें तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, वर्किंग स्ट्रैटेजी है, कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करना या फिर असी प्रोजेक्ट की मेनटेनेंस करनी है, मतलब प्रोजेक्ट रिलेटिड कोई भी काम करना आ अमंग टीम मैंबरस ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए है, प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए है. ठीक है, जो भी गलबात है वो प्रॉपर तरीके नाल होवे, कोई लड़ाई झगड़ा ना होवे. ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए है. फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्टिव नू लेके जब असी डिसीजन लेना आ तो वो डिसीजन फेयर ना हो, फेयर होना चाहिए आ, वो डिसीजन बायस ना हो, इदा ना हो कि जिहदी जिहड़ा मैंबर टीम च सीनियर है सिर्फ उहदी गल सुनी जाए, कि इदा इदा ना हो कि जे कोई प्रॉब्लम ऑकर हुई है तो उहदा जिहड़ा सल्यूशन है जिहड़ा जूनियर परसन है वह ज़्यादा वधिया सल्यूशन दा ऑप्शन दे रहा आ, बट इदा ना होवे कि सीनियर जिहदा सल्यूशन बहुत वधिया नहीं है उन्हूं इंप्लीमेंट करता जाए, कि जद भी असी कोई इंप्लीमेंटेशन करते हाँ उहदे ते प्रॉपर डिस्कशन होवे कि असी ये चीज़ इदा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर चूजिंग दिस ऑप्शन, वाई वी आर चूजिंग दिस सल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. फेयरनेस होनी चाहिए आ साडे डिसीजन च. क्रिएटिविटी कि जब भी असी कोई काम कर रहे हैं नवा प्रोजेक्ट लैके आ रहे हैं, कोई नवा मॉडल लैके आ रहे हैं, कोई भी जब चीज़ कर रहे हैं वो क्रिएटिव तरीके नाल होनी चाहिए है, नवे तरीके नाल होनी चाहिए है. अकाउंटेबिलिटी कि जे साडा प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होंदा लेट्स से
ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਮੰਥਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 6.5 ਮੰਥਸ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਜ਼ ਫੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆਈਦਰ ਫੋਰ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਆਈਦਰ ਫੋਰ ਦ ਫੇਲਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟੀਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਜੇ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕਸਟਮਰਸ ਫੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਐਪਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫੋਰ ਦ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਵੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਕ ਫੋਰ 1 ਵੀਕ ਔਰ 1 ਮੰਥ ਔਰ 2 ਮੰਥ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੀਮਸ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਟੀਮਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟੀਮਸ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੂ ਮੀਟ ਔਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸੇਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੀਮਸ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੀਮ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਪੁੱਲ ਟੂਗੈਦਰ ਫਰੋਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਜੋਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੀਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟੀਮ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਟੀਮ ਇਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਸਿਊਮ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੋਰ ਸੈਲਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੀਮਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟੀਮਸ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੀਮਸ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟੀਮਸ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਟੀਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਮ ਮੀਨਸ
टुगेदर एवरी वन अचीव मोर। देखो एक कल्ले पर्सनली बहुत सारियाँ डिफरेंट डिफरेंट टास्क करना या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। कि जे मैं सोचा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर भी मैं ही हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं ही हाँ, ठीक है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनू ही करनी है, ठीक है फिर टेस्टिंग भी मैं ही करनी है प्रोजेक्ट दी, कि एको पर्सन बहुत सारे रोल्स नहीं कर सकता। जब असी टीम च काम करते हाँ, टीम च काम करन दा मतलब है कि जब असी इकट्ठे मिल के बहुत सारे अलग अलग लोग काम कर रहे हाँ तो साड़ी अचीवमेंट जिहड़ी है वह बढ़ जाती है। कि हर परसन अपने काम लिए रिस्पोंसिबल हुंदा है, ठीक है टीम च इकट्ठे मिल के काम किया जाता है तो टुगेदर असी काम करके ज़्यादा चीज़ों नू थोड़े टाइम च अचीव कर सकते हैं। जी टीम हैगी है, टीम के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ने बेस्ड अपॉन देयर नीड्स एंड देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि आपस में रिलेशनशिप किस तरह की। कोई भी जी टीम है वो फोर स्टेजस नू क्रॉस कर दी है। फर्स्ट इज फॉर्मिंग, सैकेंड स्टेज इज स्टॉर्मिंग, नैक्सट इज नॉर्मिंग एंड लास्ट स्टेज इज परफॉर्मिंग। जी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मिंग। इन द स्टेज टीम मेंबर्स आर जस्ट गेटिंग यूज टू आइडिया दैट दे आर टीम। पहली स्टेज च की हुंदा है टीम तो असीं बना देंदे आ कि ए लोग इस टीम च इनवॉल्व ने, ठीक है बट वो एक दूसरे नू जानन की कोशिश करते हैं कि वी हैव टू वर्क एज अ टीम, कि असीं की करना है असीं इकट्ठे काम करना है, ठीक है किस तरह के क्वेश्चन होंगे है कि वॉट इज द परपज, कि टीम बनाने का परपज की है, बिहेवियर की है जिहड़े टीम मैंबरस ने उन्हां दा बिहेवियर की है, वॉट इज़ द एक्सपैक्टेशन, कि जे मैं टीम की मैंबर हाँ वॉट इज माई एक्सपैक्टेशन फ्रॉम अदर टीम मैंबरस एंड वॉट आर देयर एक्सपैक्टेशन फ्रॉम मी, नीड्स की ने, प्रॉब्लम की है कि कहड़ी प्रॉब्लम असी सॉल्व करना है, मतलब जब असी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं एक्चुअली असी किसी प्रॉब्लम नू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है तो सक्सैस का इंडिकेटर की होएगा कि असी किस टाइम पर सोचांगे कि येस वी आर सक्सैसफुल या आर प्रोजेक्ट इज सक्सैसफुल। नैक्सट जी स्टेज होंगी है, नैक्सट स्टेज होंगी है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग से देखो स्टॉर्म वर्ड अपने आप दस रहा है कि इस स्टेज से की होंगे जिन्हें भी टीम मैंबरस होंगे ने दे टेस्ट वन अनदर, वो की करते हैं एक दूसरे नू टेस्ट करते हैं, दे मेक मिसटेक्स एंड दे लर्न टू वर्क टूगैदर, कि कोई एक गलती करता है फिर उस गलती नू करेक्ट करते हैं, कट्ठे काम करते हैं, गलतियां होंदियां ने ते कट्ठे काम करन दी कोशिश कर रहे हैं। इस स्टेज च की होंदा है डिफेंसिव होंदे हां असी, टेंशन भी होंदी है, दूसरे टीम मैंबर नाल जेलसी भी होएगी, आर्गूमेंट भी हो सकते हैं कि तू इदा नहीं किया, तेरा काम ये सीगा, तेनू ये काम इस तरह करना चाहिए सीगा, दिस इज़ द बैटर वे ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन अ लीडर मस्ट रिजॉल्व इशू, बारगेन कंप्रोमाइजेस एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्टेज च जिहड़ा टीम लीडर होएगा, हर टीम का एक टीम लीडर होता है, ठीक है जे छे लोगों की टीम है अमंग दो सिक्स मैंबर वन परसन इज अ टीम लीडर, और ठीक है टीम लीडर का काम की होएगा सारे लोगों नू प्रॉपरली मैनेज करना ताकि वो अपने गोल नू अचीव कर सकन, ते जे कोई आर्गूमेंट्स हो रहे ने कोई टेंशन ऑकर हो रही है विद इन द टीम, सो इट इज़ द जॉब ऑफ टीम लीडर कि वो उस टेंशन उस प्रॉब्लम नू रिजॉल्व करे, ठीक है उदी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि वो आपस च लोगों नू झगड़न तो रोके या जे कोई प्रॉब्लम ऑकर हो गई है उस प्रॉब्लम नू सॉल्व आउट करे। नेक्स्ट स्टेज इज नॉर्मिंग। इन द स्टेज द टीम मेंबर्स बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड अबाइड बाय टीम्स ग्राउंड रूल्स, टीम मेंबर्स फील मोर कंफर्टेबल विद रूल्स एंड रिस्पोंसिबिलिटीज, कोऑपरेशन ओवरटेक डिफेंसिवनेस विद इन द टीम। हुण तक की हुंदा जब असीं नॉर्मिंग स्टेज तक आते हाँ असीं अपने टीम मैंबरस नू फैलो टीम मैंबरस नू चंगी तरह समझ चुके हुंदे हाँ, कुछ टीम दे रूल्स बिल्ड हो गए हुंदे हाँ, कुछ रिस्पोंसिबिलिटीज बन जांदियां ने हर टीम मैंबर दी, ते हर टीम मैंबर फील कंफर्टेबल करदा आ, कंफर्टेबली एक दूसरे नाल काम करना शुरू कर दिंदा आ। नॉर्मिंग स्टेज च कोऑपरेशन दे नाल काम हुंदा आ, कि कोऑपरेटिव एनवायरमेंट हुंदा आ टीम दा, ताकि कोई भी डिफेंसिव सिचुएशन ऑकर ना होवे, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन ऑकर ना होवे। नेक्स्ट स्टेज इज परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग दी स्टेज च सारा कुछ
बहुत क्लीयर होंदा है, हर टीम मेंबर नू क्लैरिटी होंदी है, व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द रूल ऑफ रूल्स फॉर टीम, ठीक है। वो इतने की करते हैं, दे आर क्लीयर विद एवरीथिंग एंड वो फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। फिर आइडिया शेयरिंग होंगी है स्टेज पे कि जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम नू रिजॉल्व किस तरह करना है, आइडियाज नू किस तरह शेयर करना है, एंड टीम वर्क करती है टू अकम्पलिश परफॉर्मेंस गोल, कि अपनी परफॉर्मेंस नू किस तरह इंप्रूव किया जाए वो वाल ध्यान दिता जाता है कि असी अपने प्रोजेक्ट नू होर बैटर किस तरीके नाल कर सकते हैं। नाम ही दस रहा है स्टेज का परफॉर्मिंग, दैट एवरीबडी इज परफॉर्मिंग हेयर एट दिस स्टेज, कोई भी इतने लड़ाई झगड़ा इस स्टेज नहीं है। सो एवरी टीम जिन्या भी टीम्स बनदिया ने, एवरी टीम हैज टू गो थ्रू दीज स्टेजिज, दोज आर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, एंड वंस दे आर इन परफॉर्मिंग स्टेज दे विल डेफिनेटली अचीव देयर गोल्स, देयर परफॉर्मेंस गोल्स, देयर प्रोजेक्ट गोल, एंड दे विल बी सक्सेसफुल टीम एंड देयर प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम। वी टॉक्ड अबाउट कि टीम का काम की है, लोगों का ग्रुप है जिन्हों का काम हैगा आ कि इकट्ठे काम करना। हुण टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स की होंगे, देखो सक्सेस इन अ वर्क वर्क प्लेस डिपेंड ऑन आर एबिलिटी टू बिल्ड अ टीम एज वेल एज टू इंटरैक्ट विद अदर्स ऑन दैट टीम। देखो कला सा पर्पज टीम बनाना इज नॉट द पर्पज, आपस च लोग वधिया तरीके नाल इंटरैक्ट करन, वधिया तरीके नाल काम करन, कट्ठे मिलके काम करन, ए भी बहुत जरूरी है। टुगेदर पीपल आर एबल टू अकम्पलिश वॉट वन परसन अलोन कांट डू, एंड दिस इज नोन एज सिनर्जी। सिनर्जी बेसिकली की होंगी है, जब लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं जो काम कला एक परसन नहीं कर सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स की होंगे टीम दे, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन च की आ जाता है कि एवरी वन पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड पॉजिटिवली इन मीटिंग एंड प्रोजेक्ट, कि हर परसन जिहड़ा हर टीम मैंबर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोजेक्ट की मीटिंग्स च एंड प्रोजेक्ट्स च। कॉमन पर्पज, टीम गोल्स आर अंडरस्टूड बाय एवरी वन, कि टीम का गोल की है वो हर किसी ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि दिस इज द गोल, ये साडा प्रोजेक्ट गोल है एंड वी हैव टू वर्क टू अचीव दिस गोल, कि हर किसी का पर्पज जिहड़ा हैगा आ वो कॉमन है। कंसेंसस डिसीजनस, कि जिन्हें भी डिसीजनस ले जान विद इन द टीम वो सारे डिसीजनस कंसेंट दे नाल ले जान, हर टीम मैंबर दे कंसेंट दे नाल ले जान। कमिटमेंट, कि हर टीम मैंबर कमिटेड होवे टू वर्क फॉर द प्रोजेक्ट, दे मस्ट बी कमिटेड फॉर प्रोजेक्ट, कि हर किसी नू सपोर्टिव होना चाहिए प्रोजेक्ट दे लई, हर किसी नू अपने नेक्स्ट टीम मैंबर लई कमिटेड होना चाहिए आ, सपोर्टिव होना चाहिए आ, हर कोई वधिया तरीके नाल इनिशिएटिव ले टू गैट थिंग्स डन, दैट इज कमिटमेंट। नैक्सट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, कि टीम इस तरह की होनी चाहिए है जिदे च लोगों के कोल कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होन, कि जिन्हें भी काम असी प्रोजेक्ट लिए करने हैं, जिन्हें भी स्किल सैट रिक्वायर्ड ने फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, हर तरह का परसन टीम च होवे। इदा ना होवे कि असी सिर्फ सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स पा ले है, सॉफ्टवेयर टेस्टर टेस्टिंग लिए तो साढ़े कोई परसन ही नहीं है, या डेटाबेस नू हैंडल करन लई साडे कोल कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मतलब टीम मेंबर्स जिहड़े होने चाहिए ने उन्हां दे स्किल कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होने चाहिए। ट्रस्ट, दैट एवरी टीम मेंबर शुड ट्रस्ट ईच अदर, कि जे मैं कोई सोल्यूशन दे रही हाँ, ठीक है, आई नो अबाउट समथिंग एंड आई एम सेइंग दैट दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, जिहड़े बाकी टीम मैंबर्स ने मेरे ते ट्रस्ट करन कि हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही हाँ वो बेस्ट होएगा। वी नीड टू ट्रस्ट ईच अदर। फ्री कम्युनिकेशन,
कि टीम्स दे अंदर विद इन द टीम मेंबर प्लेंटी ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए है, ठीक है। कोई भी ऐसी काम कर रहे हैं वो कम्युनिकेट आपस च कम्युनिकेट करके करिए, इदा ना होवे कि मैं कोई काम कर लिया या ते बाकी टीम मेंबर्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। प्रॉपर एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए है। होर कैरेक्टरिस्टिक्स की हो सकते हैं टीम मेंबर टीम दे कि जिन्हें भी इंडिविजुअल्स ने वो प्रॉब्लम दे सल्यूशन नू फाइंड करने लिए हर कोई इक्वली हार्ड वर्क करे, जिन्हें भी मेंबर्स ने वो एक दूसरे नू ध्यान नाल सुनन, लिसनिंग स्किल होना चाहिए है कि जे एक टीम मेंबर कोई गल कर रहा है उदी गल कट्टी ना जावे, उदी गल नू ध्यान नाल सुनिया जावे, फिर उस तो बाद असी फीडबैक लैके असी प्रॉपर डिसीजन ले। जिन्हें भी टीम मेंबर्स ने वो एक दूसरे ते ट्रस्ट करन, जे टीम रिस्क लेना चाहती है तेन रिस्क भी लिया जा सकता है फॉर सर्टेन पॉइंट एट द प्रोजेक्ट। टीम डिसीजन जिहड़ा हैगा आ वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए आ, फुल एक्सेप्टेंस होवे टीम च कि हाँ दिस इज माई टीम, दिस इज माई प्रोजेक्ट, एवरी वन विल अंडरस्टैंड दैट आई एम रिस्पोंसिबल फॉर वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग। टीम गोल्स जिहड़े हैगे आ वो रियलिस्टिक होने चाहिए है ते उन्होंने टाइम फ्रेम्स भी डिफाइन होना चाहिए कि असी किन्ना काम किन्ने टाइम च असी करना है। हर कोई टीम मैंबर फोकस होवे ताकि असी अल्टीमेट गोल नू अचीव कर सकीए ते असी अप टीम च वधिया परफॉर्म कर सकीए। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम। नाउ अ टीम कंटेन्स टीम मैंबर्स, ठीक है। ईच एंड एवरी मैंबर ऑफ द टीम वर्क्स टू अचीव द गोल्स एज स्पेसिफाइड बाय द टीम। जिन्हें भी टीम मैंबर्स ने वो की काम करते हैं, टीम का जो कॉमन गोल है, स्पेसिफाइड गोल है, उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। हुण जिहड़ी टीम है, टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हुण जिहड़े ग्रुप ऑफ पीपल ने वो बेसिकली की ने, टीम मैंबर्स ने। हुण एक वधिया टीम मैंबर दे कैरेक्टरिस्टिक्स की होंगे। जिहड़ा एक वधिया टीम मैंबर है that shares openly, वो की करेगा जो भी उन्हें अपनी गल करनी है वो सारियां दे सामने अपनी गल नू एक्सप्रेस करेगा, अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स ने अबाउट द प्रोजेक्ट, जो ओपीनियन है, थॉट है, परसेप्शन है किसी प्रॉब्लम बारे, किसी कंडीशन बारे, सॉल्यूशन बारे, वो ओपनली शेयर करेगा, ओपनली एंड ओथेंटिकली। कि वो इदा नहीं करेगा कि मैं जो 10 मैंबर्स ने मैं एक नाल गल करना, जिहड़ियां भी प्रोजेक्ट दी मीटिंग्स ने वो अपने पॉइंट्स नू उत्थे शेयर करेगा। इनवॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि जद भी डिसीजन कोई लिया जा रहा है हर टीम मैंबर अपना व्यू पॉइंट रखे ते हर कोई टीम मैंबर इनवॉल्व होवे डिसीजन मेकिंग च। ट्रस्ट सपोर्ट एंड हैज जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर टीम मैंबर्स। जिहड़ा एक वधिया टीम मैंबर है वो दूसरे टीम मैंबर्स नू ट्रस्ट करता है, उन्हां नू सपोर्ट करता है, दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड हैज जेन्युइन कंसर्न कि वो लोगों नू ध्यान नाल देखदा सुनदा है जे उन्हां नू कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कि प्रोजेक्ट च काम करदे करदे जे कोई प्रॉब्लम हो रही है या जे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई तो उन्हें अंडरस्टैंड करन दी कोशिश करता है, दूसरे टीम मैंबर नू ब्लेम नहीं करता। ओन्स प्रॉब्लम, जिहड़ा एक वधिया टीम मैंबर है वो प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम नू ओन करता है इरिस्पेक्टिव कि वह बाकी लोगों नू ब्लेम करे कि तेरी गलती करके साडा प्रोजेक्ट टाइम ते कंप्लीट नहीं हो रहा या कोडिंग सही नहीं। गुड टीम मैंबर इनफ्लुएंस द अदर बाय इनवॉल्विंग दैम इन द इशू। जिहड़ा एक वधिया टीम मैंबर है वह बाकियां नू भी इनफ्लुएंस करता है ज़्यादा वधिया काम करने लई। गुड टीम मैंबर एक्नोलेज वर्क थ्रू कन्फ्लिक्ट ओपनली, कि जो भी काम है उन्हें एक्नोलेज कर रहा है एंड जो कोई कन्फ्लिक्ट ऑकर हो रहा है विद इन द टीम तो उन्हें रिजॉल्व सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कंसीडर्स एंड यूज न्यू आइडियाज एंड सुजेशन फ्रॉम द अदर, कि जेड़ा एक वधिया टीम मैंबर है वो अपनी बाकी टीम मैंबर्स के आइडियाज नू ध्यान नाल सुनदा है, सुजेशंस नू ध्यान नाल सुनदा है एंड जेड़ा बेस्ट कह लो आइडिया या बेस्ट सुजेशन हुंदा है उन्हें सपोर्ट करता है। Encourages feedback on own behavior, कि जे मैं कोई काम कर रही हाँ तो जे मैनू लगता है कि मेरा कोई टीम मैंबर कोई फीडबैक देना चाहता है तो मैं उन्हें ध्यान नाल सुनांगी, अनकरेज कर सकती हाँ कि होर टीम मैंबरस भी मेरे काम से फीडबैक दे सकते हैं, बिकॉज वंस फीडबैक इज रिसीव असी अपने काम नू होर वधिया इंप्रूव कर सकते हैं।
अंडरस्टैंड्स एंड इज कमिटेड टू टीम ऑब्जेक्टिव्स, कि जिहड़ा एक वधिया टीम मैंबर है वह अंडरस्टैंड करता है कि टीम के ऑब्जेक्टिव की ने, ते टीम के ऑब्जेक्टिव्स नू अचीव करन लई कमिटेड हुंदा आ. Does not engage in win or lose activity with other team members. ठीक है, दूसरे team member ते ना लड़ाई झगड़ा नहीं करता कि मैं वधिया काम करना है या तेरा काम वधिया नहीं है. ठीक है, इस तरह के ब्लेम गेम्स च नहीं पैंदा, आप भी वधिया काम करता है प्लस दूसरे टीम मैंबर नू भी इन्फ्लुएंस करता है कि दूसरा टीम मैंबर भी वधिया काम करे. बैटर अंडरस्टैंडिंग स्किल has skills in understanding what is going in the group. ठीक है, जिहड़ा एक वधिया टीम मैंबर है वह यह अंडरस्टैंड करता है कि टीम च की चल रहा है, कि जे कोई टीम च प्रॉब्लम हो रही होंगी है उन्होंने रिजोल्व करने की कोशिश करता है. सो दिस इज अबाउट टीम. वी स्टार्टेड विद अ न्यू चैप्टर मैनेजिंग इन टीम. वी डिस्कस वॉट इज टीम, हाउ टीम्स कैन बी क्रिएटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टीम्स, types of teams, stages of team development, like what, how a team is going through different stages, characteristics of a team and characteristics of a good team member. Thank you so much.